इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, दैट इज परचेज कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स, व्हाट इज बाइंग कॉस्ट, व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, दैट वी विल अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द साइज ऑफ द ऑर्डर वेयर ऑल दिस कॉस्ट आर मिनिमम। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। देखो, मटेरियल का बाइंग कॉस्ट तो लगेगा ही, हमें कॉस्ट कौन सी कम करना है, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, बाइंग कॉस्ट क्या है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज टू फाइंड एंड मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, व्हाई वी हैव टू फिक्स दिस इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। कुछ लोग होते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है उसको ध्यान में रखे बगैर जो स्टॉक होता है मटेरियल का वो कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक रुपया इन्वेस्ट हो जाता है मटेरियल में, या तो आप रेडीमेड आइटम्स के बायर सेलर हो, रेडीमेड आइटम खरीदा और सेल किया, अब लार्ज क्वांटिटी में आप खरीद के रख देते हो तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट जुड़ी हुई है। एक तो आपका पैसा वहां पे रुक जाएगा, दूसरा लार्ज क्वांटिटी में खरीदा है आपने तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा या तो कोई स्पेस रेंट पे लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट लगेगा। दूसरा, देर आर चांसेस ऑफ फायर, देर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्राइस जिस प्राइस से खरीदा उस प्राइस के बाद थोड़े टाइम में मार्केट में प्राइस कम भी हो जाए। प्राइस अगर कम हो गई और आपने ज्यादा प्राइस से खरीदा है तो फिर आपको लॉस होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सो द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेंटरी। तो हम यहीं पे डिसाइड करेंगे कितना क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए ताकि हमारी ये कॉस्ट कम आए। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें इसकी जरूरत होगी। द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे। इसे तो नाम से ही पता चल जाता है, इट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग द मटेरियल। अब इसमें क्या आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ द गुड्स, जो भी स्टाफ आपका लगा हुआ है फॉर ऑर्डरिंग द मटेरियल उनकी कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस, इंस्पेक्शन एक्सपेंस ऑफ इनकमिंग मटेरियल, जब मटेरियल आता है तो उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि हमने जो ऑर्डर दिया है उस हिसाब से है कि नहीं। तो ये सारी जो कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एग्जाम्पल्स दिए आपको नीचे, द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ इन्वेंटरी इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर। सबसे पहले तो एक परचेस ऑर्डर बनाना पड़ेगा, ईमेल टाइप करना पड़ेगा या तो रिटर्न फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रिसीविंग दिस मटेरियल। आपने ऑर्डर दिया, मान लो आप गुजरात में हो, आप बड़ौदा में हो और आपने ऑर्डर दिया अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में आपने ऑर्डर दिया है, आप हो बड़ौदा में, आपकी फैक्ट्री बड़ौदा में है, तो उसको रिसीव करने का जो कॉस्ट है वो, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं है तो कभी कभी कुरियर से भी माल सप्लाई होता है आजकल, तो वहाँ का जो अहमदाबाद का जो सप्लायर है वो वहाँ से सप्लाई कर देगा किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, हमें उसके गोडाउन से यहाँ बड़ौदा से मटेरियल कलेक्ट करना है तो उसकी रिसीविंग की कॉस्ट लगती है। या तो आप अपना खुद का व्हीकल लेके जाते हो, मटेरियल लेके आते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, यही ऑर्डर हम बार बार देते हैं तो ये सारी कॉस्ट बार बार लगती रहेगी। वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इंटरनली,
द सेटअप एंड टूलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ईच प्रोडक्शन रन। अगर हम किसी से परचेस नहीं कर रहे, किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, हमारे खुद के फैक्ट्री में अगर इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका जो मशीनरी का सेटअप का कॉस्ट है, टूलिंग कॉस्ट है, वो सारी चीजें इसमें आएगी। सो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको खाली इतना समझना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। सिंपली इसको समझो, ऑर्डर देना और उसके ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगे। अब है कैरिंग कॉस्ट। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? तो मटेरियल का ऑर्डर देने के बाद आपके पास मटेरियल आ जाएगा, तो फिर उसको स्टोरेज डिपार्टमेंट में रखना पड़ेगा, उसको हमें गोडाउन में रखना पड़ेगा, तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, दे आर द कैरिंग कॉस्ट। सो द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंटरी। मटेरियल तो हमने खरीद लिया, अब उसको हमारे पास रखना पड़ेगा, रास्ते में तो रख नहीं सकते, ट्रक में तो रख नहीं सकते, तो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमारे पास हो जाएगा कि किसी का मकान है या तो गोडाउन है, रेंट पे लेना पड़ेगा, वहां पे हमारा माल पड़ा रहेगा, या तो आजू बाजू में कोई फैक्ट्री, उनके पास स्पेस है तो उनकी स्पेस हम लेंगे और उसका रेंट देना पड़ेगा। तो जहां पे आप स्टोर कर रहे हो, वहां के सारे जो एक्सपेंसेस हैं, जिस जहां पे इन्वेंटरी को होल्ड किया जाएगा, उसको कैरिंग कॉस्ट कहा जाएगा। क्या क्या कॉस्ट इसमें लगती है? कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। स्टोरेज कॉस्ट, जहां पे स्टोर किया है वहां का रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जिसको आपको एसी में ही रखना पड़ेगा, तो वो सारी कॉस्ट यहाँ पे आएगा। स्टोरेज स्टाफिंग, जहाँ पे स्टोर किया है, अगर वहां पे स्टाफ अपॉइंट किया है, गोडाउन कीपर अपॉइंट किया है, तो उसकी कॉस्ट। सुपरवाइजर अपॉइंट किया है तो उसकी कॉस्ट। इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ऑडिट ऑफ मटेरियल्स, स्टॉक टेकिंग एंड परपेचुअली इन्वेंटरी कॉस्ट। मतलब स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारी इस फैक्ट्री में स्टोरेज डिपार्टमेंट में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना हमने खरीदा, कितना सप्लाई किया, तो उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट। वहां पे जो स्टोर कीपर रखा हुआ होगा, उसकी कॉस्ट। तो ये सारे जो कॉस्ट लगे हुए हैं, जहां पे हमने मटेरियल स्टोर किया है, कभी कभी इंश्योरेंस भी आप लोगे उसका, तो इंश्योरेंस का कॉस्ट आ जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करोगे, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल खरीदा है आपने, तो आपका पैसा वहां पे आपका रुका हुआ है। अगर वही पैसा कोई दूसरी जगह पे अगर आपने लगाया होता, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता, तो वो भी एक कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ मनी टाइड अप विद द इन्वेंटरी, ये सारी कैरिंग कॉस्ट है। तो दो तरह की कॉस्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसमें ऑर्डर प्रिपेयर करने से लेके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और आपके गोडाउन में मटेरियल आ जाता है तब तक का एक्सपेंस ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एक बार गोडाउन में मटेरियल आ जाता है, तो बाद में चालू होता है कैरिंग कॉस्ट, जहां स्टोरेज के एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे। अब इन दोनों को ध्यान में रख के द फॉर्मूला इज लाइक दिस, हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 2 × A × Q/C। अब यहाँ पे जो लेटर्स यूज हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स, तो ए का मतलब है यहाँ पे हमारा एन्युअल कंजम्पशन, जो मटेरियल है उसका एन्युअल कंजम्पशन कितना होता है। सी जो दिया है उसका मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट। ओ जो दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे क्यू दिख रहा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, ये ओ है, 2AO/C। अगर आप क्यू लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको क्यू का मीनिंग यहाँ पे बताना है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। अगेन आई एम टेलिंग द फॉर्मूला इज वन, बट द लेटर्स यूज बाय द डिफरेंट ऑथर्स आर डिफरेंट। ए के लिए हमने एन्युअल कंजम्पशन लिया है, अगर आप चाहो तो पी एन्युअल कंजम्पशन बता दो।
क्यू का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, आप उसको ओ बता दो, डी बता दो, फॉर्मूला ये रहेगी। आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2AO/C डिवाइड करना है हमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये मतलब हमारा एनुअल कंजम्पशन मटेरियल का, क्योंकि पूरे साल में कितना कंजम्पशन हो रहा है मटेरियल का, और जो ओ है उसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट क्या है। अब अगर आप इतना समझ चुके हो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डेटा रिलेटिंग टू स्लॉटेड एंजल्स इन स्टील फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एज फॉलो। एन्युअल कंजम्पशन इनका 12 टन है, 12 टन का इनका एन्युअल कंजम्पशन है। यूनिट कॉस्ट ₹100 per किलो, 100 रुपीज यहां पे दिया हुआ है पर किलो। स्टोरेज जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलेंगे, 12% लगता है। पर यूनिट कॉस्ट 100 दिया है, देखो आपको उस 100 का 12% मतलब ₹12 एक यूनिट का यहां पे स्टोरेज कॉस्ट लगता है। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जिसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ऑर्डर प्लेस करना, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस है, मतलब गोडाउन में हमारे माल आ जाता है उसके पहले का कॉस्ट, जिसको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलेंगे, वो ₹20 per ऑर्डर है, ये आपको दिया हुआ है। और आपको बोला हुआ है फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, एन्युअल कंजम्पशन हम जो है यहाँ पे उसको 12 टन की जगह पे 12,000 लिखना है, 12,000 आप 12,000 किलो लिख सकते हो। ओके, तो एक करेक्शन मैंने करवाया है, 12 टन की जगह पे 12,000 किलो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 12,000। नहीं नीचे तो आप, नहीं सर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं, नीचे तो कैलकुलेशन में तो कर ही दिया है ना 12,000 kg। हमको यूनिट कॉस्ट 100 per किलो दिया है, किलो का नहीं, रेट दिया है, तो हमको इसलिए कन्वर्ट किया है हमने। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, क्योंकि इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि आपको अच्छा पता है कि टन को केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नो, बहुत सारे कुछ बच्चे उनको नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूं। अच्छा ओके, अगर आपको पता है कि टन को केजी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो दैट इज द बेस्ट, ये जो दिया है सॉल्यूशन वो सही है। तो थोड़ा हम 12,000 kg ले लेते हैं, थोड़ा हमारा वर्किंग थोड़ा सिंपल बन जाए, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेंगे एक्सरसाइज। तो इसे तो यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो अब हमारा डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना है, तो 2 × 12,000 × 20, ये 20 जो है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बोलेंगे, पर यूनिट लेना है, और 12% हमारा स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट है, तो 100 का 12% ₹100 per किलो, तो वो ₹12 वो आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे सिंपल बता दिया है आपको, 12 टन लेने की जगह पे 12,000 यूनिट्स ले लेते हैं अभी सिंपल समझने के लिए, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला है उसमें वो दिया हुआ है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना लिखना मैं भूल गया हूँ उस, तो ये सारा जो कैलकुलेशन करोगे आप तो ऊपर आएगा 4,80,000, और इसका आंसर 12 आ जाएगा। 1 किलो का ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹12 आ जाएगा। 4,80,000 को डिवाइड कर दोगे तो 40,000 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो आप,
तो वो 200 यूनिट आ जाएगा पर ऑर्डर। तो ये आपको ये बता रहा है कि आपको 200 यूनिट का ऑर्डर देना चाहिए, 200 यूनिट का आप, या तो 200 केजी का अगर आप ऑर्डर देते हो तो दैट वुड बी योर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, वहां पे कॉस्ट मिनिमम आएगी। अच्छा, इस फॉर्मूला का ये बेसिक वर्जन है। इस फॉर्मूला में हम आगे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और हम काउंट कर सकते हैं कि क्या सही में वहां पे कॉस्ट मिनिमम आती है अलग अलग क्वांटिटी लेके, बट दैट इज द पोर्शन ऑफ एट हायर लेवल, सो वी हैव नॉट टेकन दैट। अदरवाइज इस फॉर्मूला में आगे भी बहुत सारी चीजें आती है कि मान लो ये इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 यूनिट आ गया, फिर उसका कैलकुलेशन कि 200 यूनिट पे हमारी सही में कॉस्ट कितनी आएगी अलग अलग यूनिट्स लेके, पर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें अगर 100 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो इतनी कॉस्ट आती है, 200 यूनिट में इतना कॉस्ट आ रहा है सारी कॉस्ट, और 300 में इतना कॉस्ट आ रहा है, तो आप देखोगे कि 200 पे आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी, वो आप कर सकते हो। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर अभी टन्स की बात करें तो एक नोट दिया है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। ओके, तो उनको केजी में कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने, 12 टन इंटू 1000, तो 12000 कर दिया है। मैंने इसको थोड़ा सिंपल कर दिया, 12000 केजी ही डायरेक्ट ले लिया था। ओके, चलो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा वाला देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। डेटा रिलेटिंग टू स्लोटेड एंजल्स इन स्टील फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एज फॉलो। हाफ ईयरली डिमांड दिया है 1000 यूनिट, हाफ ईयरली, दिस इज हाफ ईयरली, हमें तो एनुअली चाहिए थी, हाफ हाफ ईयर, तो पूरे साल का 2000 यूनिट हो जाएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि हमारी फॉर्मूला में ए का मतलब है एनुअल, तो हमारा 2000 यूनिट्स हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे ही दिया है 62.50, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है 2 रुपीज, तो सारी चीजें हमें सिंपली दे दिया है। फॉर्मूला आप लगाओगे, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इन स्क्वायर रूट 2 इंटू ए, तो ए अब हमारा 2000 हो जाएगा, तो 2000 के लिए 1000 इंटू 2 किया है, 62.50 जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट है, क्योंकि फॉर्मूला जो आपकी है, फॉर्मूला आपकी 2AO है, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम स्टोरेज का कॉस्ट भी बोलते हैं। सॉल्व किया करोगे तो 1,25,000 फाइनल आंसर आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेटर होना चाहिए। नो डाउट आई विल ट्राई टू पुट अ क्वेश्चन जो आप इजीली कर सको, उसका स्क्वायर रूट निकाल सको। मैथमेटिकल कैलकुलेटर में क्या आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक सच ए फिगर जहां पे इजीली आप निकाल सको। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्वांटिटी आ रहा है 353.55 यूनिट्स पर ऑर्डर। तो एक सिंपल सी फॉर्मूला थी, इसमें ज्यादा कुछ और है नहीं, अलग अलग तरह के यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज लिए हुए हैं, आप उसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। छोटे छोटे अलग अलग एक्सरसाइज लिए हुए हैं और उसका सॉल्यूशंस भी साथ में दिया हुआ है, एक दो एक्सरसाइज देख लोगे आप, इजीली समझ में आ जाएगा, इट इज नॉट अ टफ पॉइंट। ओके, बहुत सारे एक्सरसाइज लिए हैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बताने के लिए, और सॉल्यूशंस भी आपको वहां पे दिया हुआ है। इसमें ज्यादा हमें टाइम यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ है नहीं, एनुअल कंजम्पशन आपको दिया होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारा आज जो मटेरियल कॉस्टिंग का जो चैप्टर था वो कवर किया है हमने, और
इसमें मटेरियल दो तरह का होता है, वो देख लिया हमने कि डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल को ओवरहेड भी कहा जाता है। मटेरियल इश्यू, मटेरियल प्राइसिंग इश्यू जो थे उसमें दो मेथड्स पड़ा, फिफो मेथड एंड लिफो मेथड। फिफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, जो मटेरियल पहले खरीदा उसको पहले सप्लाई करेंगे। लिफो मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। एग्जाम में क्या आएगा आपको, तो एग्जाम में मैं आपको इसी तरह का एक एक्सरसाइज ले लेंगे लिफो और फिफो मेथड का, जिसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। सिंपल सा एक्सरसाइज होगा, कितना हमने परचेज किया और कितना इश्यू किया, और उसको उसमें आपको इश्यू वाले में लिपो या तो फिपो मेथड से उसकी प्राइसिंग डिसाइड करनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हैं विथ सॉल्यूशन, यू कैन गो थ्रू दिस पेज। एंड टुडे आई विल डेफिनेटली गिव मटेरियल इन द योर गूगल क्लासरूम। 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा रुक गया है। और ये इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का आपका छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हाँ, मीनिंग आपको मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके एग्जाम्पल दो, तो 2-3 एग्जाम्पल देना है। कैरिंग कॉस्ट, उसके एग्जाम्पल दो। तो आपको खाली इतना याद रखना है, कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज के रिलेटेड एक्सपेंस, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर प्लेस करने से लेके हमारे गोडाउन में माल आता है तब तक के एक्सपेंस, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस करने का ऑर्डर आ जाएगा, कोई कुरियर चार्जेस है तो वो आ जाएगा, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें आ जाते हैं। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज दिए हैं, दे कैन बी आस्क इन द 2 मार्क्स ओनली, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेशन इसमें रहेगा। ये वाला मीटिंग थोड़ा जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद हम नेक्स्ट मीटिंग लेंगे जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेबर कॉस्ट। ओके ओके सर।